हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस दिन के 12 बज रहे हैं और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं ओम पर्वत, रियल वाला ओम पर्वत। अभी भी जस्ट मैंने एक व्लॉग एंड करा, एक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलो चलते हैं नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे। हम अब देखो कैरावैन बना रखे कंफर्ट के लिए, सोने के लिए, लेटने के लिए, तो हाँ उसको अच्छे से यूज कर रहा हूँ मैं। देखो आराम से लेट के जा रहा हूँ, इस तरह से पैर मेरे सीधे हैं, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा, बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा है। बाकी बॉय भैया गाड़ी चला रहे हैं, धीरू भैया वहाँ बैठे, दोनों के दोनों आगे बैठे हैं और मैं यहाँ अकेले मजे ले रहा हूँ मस्त। तो गाइस सामने देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है पहाड़ों का, और नीचे देखो कितनी खतरनाक खाई सी आ रही है, और रास्ता देखो कितना खतरनाक है भाई, मुझे कितना डर लग रहा है ना नीचे देख के, बिल्कुल खड़ी खाई है नीचे। तो गाइस ये जो सामने है ना नदी के उस साइड का, वो पूरा नेपाल है। तो भी गाइस यहाँ पे रुके हैं, ये सामने है सीता पुल, इंडिया नेपाल का लास्ट पुल है ये, अगर नेपाल जाना हो तो। तो अभी गाइस ओम पर्वत पहुंचने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हमको दिखी है, ये जो गुफा दिख रही है ना ब्लैक गुफा, ये इस जगह पे, इस गुफा में भगवान शिव जी ने तपस्या करी है, खुद शिव जी ने, और ये रियल बात है। तो ये भैया ने बताया मुझे, यहाँ पे बहुत तगड़ी तगड़ी बर्फीली हवाएं चल रही है, तो क्या पता मेरी आवाज भी क्लियर ना आ रही हो। और भैया क्या हालचाल, बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो अब आगे बैठता हूँ मैं, यहाँ पर जो है ना अभी ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो गाड़ी फर्स्ट गियर में भी चढ़ने में दिक्कत कर रही है। अच्छा ऑक्सीजन कम हो गई है, ऑक्सीजन कम हो गई है। तो अभी गाइस एक दिक्कत आ गई है, ऑक्सीजन कम हो गई यहाँ पे, तो गाड़ी को चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो गाइस मस्त ऑफ रोडिंग हो रही है हमारी, तो देखो रोड पूरी खराब हो रखी है, लेकिन बहुत सुंदर जगह गाइस, बहुत सुंदर गाइस। यहाँ तो पूरी लद्दाख वाली फील आ रही है, ऑक्सीजन की कमी है, मतलब बोला नहीं जा रहा अच्छे से, और लंबी सांस भी नहीं ली जा रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेट व्यू है गाइस, बहुत अल्टीमेट व्यू है, मजा आ गया। ये देखो मेरे सामने, तो गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, ओम पर्वत मेरे पीछे है, अभी दिखाता हूँ आपको, पूरा ओम बना हुआ है, पूरे हिमालयस पे ओम बना हुआ है, और दिखाता हूँ आपको भाई, इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब मेरा ड्रीम था यहाँ पे आने का, और फाइनली वो ड्रीम आज पूरा हो गया है, अभी दिखाता हूँ कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस ये है आपके सामने ओम पर्वत, आपको दिख रहा होगा पूरा ओम बना हुआ है पर्वत का, और वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, तो हिमालयस के ऊपर है, और ये शिव जी का रियल ओम पर्वत, भाई कितना सुंदर लग रहा है यार। और इसके चारों तरफ देखो कितना प्यारा एरिया है, पूरी बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़ी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, पूरा दूर दूर तक, कितना सुंदर एरिया है। कैरावैन हमारी यहाँ पे खड़ी है, और फिलहाल भी यहाँ पे रुके हुए हैं हम देखने के लिए, वो रहा ओम पर्वत। बॉय भैया थैंक यू सो मच यहाँ पे लाने के लिए, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था, एंड आपको भी थैंक यू धीरू भैया यहाँ तक लाने के लिए। और देखो कितना सुंदर है, इसके उस साइड है चाइना, चाइना बॉर्डर वहाँ पे है, और नेपाल बॉर्डर कहाँ है, नेपाल बॉर्डर पहले खत्म हो चुका, अच्छा नेपाल खत्म हो चुका है, झांगरू जो गांव था वो, अच्छा अच्छा, ये अपना इंडिया है, ये इंडिया है, उधर चाइना है, ये सामने वाली पहाड़ी चाइना की, चाइना की, ये जो सामने ये चाइना है। गाइस यहाँ पे आने के लिए ना लोग महीना महीना, दो दो महीना वेट करते, तरसते हैं यहाँ पे आने के लिए, फिर भी कई लोग नहीं आ पाते, लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम आ पाए, किस्मत देखो कितनी अच्छी है, क्योंकि रास्ते इतने खतरनाक हैं, और रास्ते में हमको पता है 5-6 बार चेक पोस्ट पे आर्मी वालों ने रोका है, तो हमारे पास परमिशन थी, सब कुछ था, वीजा वीजा था जो कि भैया ने लगवा दिया था, तो हम वो दिखा के आगे, तो हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता, उसके लिए पूरी परमिशन होती है, परमिट होता है, सब कुछ होता है। अरे हाँ सबसे बड़ा थैंक यू तो कैरावैन का, जो हमको यहाँ तक ले आई, हम इसमें सोए, हमने खाना बनाया, सब कुछ इसमें किया, यहाँ तक ले आई ऑफ रोडिंग करते हुए, इतनी खतरनाक मॉडिफिकेशन कराई है ना कि यहाँ तक आ गई है। तो भैया इस कैरावैन के ऊपर चढ़ के कुछ फोटोज वगैरह लेते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं, और हाँ हमारी किस्मत इतनी अच्छी है ना, हम पहुंचे और हमको दिख गया ओम पर्वत, और वो अब ढक चुका है, ये देखो अब नहीं दिख रहा ओम पर्वत, वहाँ पे पूरे बादल आ चुके हैं, पूरा फॉग ही फॉग आ चुका है। गाइस ये तो हमारी किस्मत थी जो हमको दिख गया, हम 5 मिनट भी लेट होते ना फिर हमको ओम पर्वत नहीं दिखता, और हमको निराश होकर जाना पड़ता, लेकिन फाइनली ओम पर्वत दिख चुका, और इतना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल लद्दाख की तरह लग रहा है ना। देखो लद्दाख में क्या है ना, ड्राई ड्राई है, यहाँ थोड़ा ग्रीनरी है, अच्छा हाँ यहाँ थोड़ी ग्रीनरी है, देखो लद्दाख में ड्राई है ना, एकदम ड्राई है। वैसे मैं कभी लद्दाख गया नहीं, मैंने बस वीडियो फोटो में ही देखा है, तो लद्दाख भी चलेंगे, इसी में चलेंगे, वो भी 7-8 बार जा, वो भी तो पूरी पूरी दुनिया घूम चुके हैं, पूरी दुनिया ही घूम चुके हैं, बहुत कुछ बाकी है, अब मुझे घुमा रहे हैं, अब मुझे नए नए एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस और जगह के एक्सपीरियंस, तो मजा आता है वो भैया के साथ में, और हमारा टेस्ट भी सेम है, हमको जंगल, ऑफ रोडिंग, ये सब चीजें हमको बहुत पसंद है। उत्तराखंड में भी ऐसी जगह हो सकती है, कभी सोचा नहीं था मैंने, आराम से। हाँ 16,000 पानी चेक कर, कितना पानी है इसमें, पानी तो बहुत है, फुल है, फुल है, फुल है। अभी चलते हैं यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर आगे, और 2-3 किलोमीटर आगे, तो अब हम जा रहे हैं इंडिया के लास्ट होटल पे। तो फाइनली लास्ट रेस्टोरेंट तक पहुंच गए, इंडिया के लास्ट रेस्टोरेंट तक, चलो अब कुछ खाएंगे पियेंगे यहाँ से। तो ये है लास्ट होटल, लास्ट रेस्टोरेंट इंडिया का, और गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है,
और यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है। ओम पर्वत को देख के ना इतने गूस बम से आ रहे थे। मैं सोच रहा हूँ कि यार ओम बना कैसे पहाड़ पे, इतना बड़ा ओम पहाड़ पे बना कैसे, कैसे बना, ये बनाया किसी ने या खुद बनाया या शिव जी ने बनाया? ये सब जो है भगवान शिव की महिमा है। ये भी काफी दूर है, वहां हम जा नहीं सकते बिकॉज वहाँ बर्फ ही बर्फ है। अच्छा ये होटल है, यहाँ के देखो पत्थर के होटल बने हुए हैं, इसके अंदर रुक सकते हैं अगर कोई ट्रैवल करते हैं। जैसे हमारे पास तो जैसे कैरावन है, हम तो कैरावन में रुक जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो इस तरह के होटल्स हैं। भाई कितना सुंदर लग रहा है यार ये देखो। तो अभी गाइस हम आ चुके हैं इंडिया के लास्ट विलेज, लास्ट रेस्टोरेंट, लास्ट होटल में। इससे आगे स्टार्ट होता है सीधा चाइना। तो यहाँ पे चल रहे हैं मस्त पहाड़ी गाने, तो यहीं पे पहाड़ी गानों के बीच में डांस करते हैं। लेकिन पीयूष और साहिल को बहुत मिस कर रहे हैं, उन्होंने मिस कर दिया ओम पर्वत। कोई बात नहीं, फिर कभी लेके आएंगे उनको, लेकिन कोई बात नहीं। अभी फिलहाल अभी मन कर रहा है डांस करने का, तो चलो डांस एंजॉय करो अभी हमारा। गाइस मेरी आवाज बदल गई यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है ना, मेरी आवाज बदल गई है। तो चलो अब टाइम लैप्स एंजॉय करो यहाँ के। तो गाइस थोड़ा रिस्क लिया मैंने, अभी 360 को मैंने यहाँ पे लगा दिया, देखो जुगाड़ करके पत्थर वत्थर लगा के यहाँ पे लगा दिया, अगर गिरा तो सीधा नीचे ही जाएगा, लेकिन फिर भी मस्त मस्त शॉट्स आएंगे। और ओम पर्वत देखो वहाँ पे अभी साफ हो रहा है। तो चलो अब चलते चाय वाय मैगी वैगी खाते हैं। चाय आ चुकी है अपनी। तो भी गाइस मैगी भी आ चुकी है, मस्त स्पेशल मैगी है ये। स्पेशल इसलिए है बिकॉज ये इंडिया की लास्ट दुकान की मैगी है, कैलाश होटल, कैलाश होटल नाम है इसका। तो भी जाने से पहले यहाँ के दाल चावल भी खा के जाएंगे, क्योंकि दाल चावल तो मेरे फेवरेट है। तो अब लास्ट विलेज के भी खाएंगे ना। दाल चावल आ गया हमारा, थैंक यू। अरे ये राजमा दाल, इसमें सब कुछ है, मटर भी है, चटनी भी है। ये देखो गाइस इनका ड्रेसिंग एरिया ही है, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, यहीं पे सब कुछ है अपना ड्रेसिंग का सामान। और गाइस ये जो बर्ड्स है ना, ये चाइनीज बर्ड्स है सारी। तो भी शूज उतारते हैं और पूजा करते हैं, यहाँ पे मंदिर है भोले बाबा का। तो भी गाइस फिर से आ चुके हैं कैरावैन में, और जो टाइम स्पेंड किया ना यहाँ पे, इतना सुकून वाला था, इतना मजा आया ना, फाइनली ओम पर्वत देख लिया। अब जा रहे हैं जहाँ पे रुकेंगे रात को, क्योंकि अभी शाम तक पहुँचेंगे वापस। हम सोच रहे हैं कि एक विलेज है गुंजी, वहाँ पे रुकने की। देखो गाइस विंडो से सामने दिख रहा है ओम पर्वत। तो भी गाइस शाम के 4:44 हो चुके हैं, मैं सो गया थोड़ी देर, अभी जस्ट उठा मैं। पता नहीं वो भी यार वो सब कहाँ गए, गाड़ी खड़ी है यहाँ पे कहीं, पता नहीं किसी गांव में खड़ी है, तो शायद कुछ लेने वेने गए होंगे, कुछ खाने पीने का सामान, पता नहीं। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ एडिटिंग कर लेता हूँ, वैसे नेटवर्क तो है नहीं, लेकिन एडिटिंग तो कर ही सकता हूँ अब खाली बैठा हूँ। तो हम 2 दिन से बिना नेटवर्क के हैं, कल भी नेटवर्क नहीं था, आज भी नेटवर्क नहीं है। तो फोन में ना इंस्टा, ना व्हाट्सएप, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं देख रहा मैं। पहले आते थे ना, पहले खोल देता था, पहले इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप खोल देता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। फोन पड़ा अपना, बस फोन से व्लॉग कर रहा हूँ और कैमरे से व्लॉग कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा लग रहा है 2 दिन बिना नेटवर्क के। तो कल भी नेटवर्क के रहेंगे, परसों मिलेंगे हमको नेटवर्क, तो 3 दिन बिना नेटवर्क के हम रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इंटरनेट की दुनिया से दूर 3 दिन के लिए। चलो फिलहाल एडिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस इतना मजा आ रहा है इसमें एडिटिंग करने में, ऐसा लग नहीं रहा गाड़ी के अंदर एडिटिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल घर की तरह नॉर्मली लग रहा है। और चार्जिंग भी कर ले रहा हूँ मैं, सॉकेट वॉकेट लगे हैं, तो चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं है, एडिटिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठा हूँ, सोने की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम गए थे ओम पर्वत, तो कल जाएंगे हम मेन जो कैलाश है शिव जी वाला, जहाँ शिव जी रहते हैं, तो वो हम कल जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी अब शाम हो चुकी है, यहाँ से अराउंड 3-4 घंटे का रास्ता है, तो हम कल ही जाएंगे, कल सुबह सुबह निकलेंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, वो हिमालयाज में ही है। तो आप क्या खाने की तैयारी करोगे? बिल्कुल खाने की तैयारी, क्योंकि शाम का टाइम है और ज्यादा लेट करेंगे ना फिर अंधेरा हो जाएगा। चलो देखते हैं बाहर जाके क्या सीन है। ओ भाई, अच्छा यहाँ रुक रहे हैं, तो आज रात को हम रुक रहे हैं यहाँ पे। बाहर तो गाइस बहुत ठंड हो रही है, अंदर से ही हो रहा था गरम गरम। गाइस बाहर आते हैं मेरे हाथ नाक मुंह सब सुन्न हो गए, इतने ठंड हो रही है, तो अंदर ही चलते हैं। तो अभी गाइस रात के 11:22 हो चुके हैं, व्लॉग एडिट हो चुके हैं, मैंने आज 3 व्लॉग एडिट कर दिए, मैं लगातार बैठा हूँ, मतलब 6-7 घंटे से एडिटिंग कर रहा हूँ, 3 व्लॉग एडिट कर दिए मैंने आज। तो हाँ यहाँ पे खराटे चल रहे हैं मस्त, दोनों के साथ दोनों सो चुके हैं। तो फिलहाल काम कंप्लीट करके मैं भी सोता हूँ। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, खराटे मारे वो भी है खतरनाक। तो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, मिलते गए जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मैं कुछ शूटिंग नहीं पाया, हमने खाना पीना खाया, मैं कुछ शूट नहीं किया, मैं एडिटिंग पे बैठा, मेरा इतना मन लगा हुआ था ना, 3 व्लॉग एडिट कर दिए मैंने, नेटवर्क नहीं है लेकिन मैंने एडिट कर दिए, अब जहाँ नेटवर्क मिलेगा वहाँ अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अभी गाइस यहाँ पे लग रखे हैं, तो अभी गाइस हम आ चुके हैं इंडिया के लास्ट विलेज में, लास्ट रेस्टोरेंट में। अबे यार ये बीच में बोल।